अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अभी 8 बजने वाले हैं सुबह के, लेकिन बादल वगैरह हैं, हवा वगैरह चली हुई है, मौसम बहुत क्यामत वाला बना हुआ है, क्यामत वाला बना हुआ है, मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो बारिश आने के काफ़ी ज़्यादा इम्कान होते हैं आज। और अभी हमें नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, तैरा को मैं बोल रहा हूँ कि नाश्ता वगैरह क्या करना है, कुछ बना लें, लेकिन तैरा कुछ जवाब नहीं दे रही। हाँ जी, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं चाहती हूँ कि कोई हल्का फुल्का सा कर ले, दोपहर में कुछ रोटी वगैरह बना लेंगे, अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे नहीं। चलो कुछ करते हैं फिर, देखा जाएगा जो भी होगा। आज संडे का दिन है जनाब, और संडे वाले दिन अवैस साहब आपको पता है बहुत ज्यादा सोते हैं। अवैस साहब साढ़े यार ठक डिंग उठ जा सोने, जा बारिश आ रही है, तो नाश्ते वास्ते कोई चाह पानी दूध लै, जल्दी कर, उठो जल्दी कर। अवैस साहब आजकल जनाब बाहर जाने की तैयारी में है, बार बार का काम सीख रहे हैं, तो बाहर जाने की फुल तैयारी में है। मैंने कहा ठीक है जनाब आप सीखें, और साथ में स्टडी भी जा रही है, ऐसा नहीं कि स्टडी नहीं है। मेरी बकरी को क्या हो गया? ये हो गया गले की कोई चीज़ खाती है कि वैसे खांसी आने लगी? वैसे खांसी आ रही ना। मेरे सोने की हो गया, लस्सी बना लो। मैं इन्हें अजकल गईयां वेख देनी ना। आप कुछ हमारे बहन भाई थे जिन्होंने कमेंट्स वगैरह किया था, ये मतलब कि बकरियां जो हैं ये आपने सेल करनी है तो कितने में करनी है? तो जनाब ये बकरा जो है ना इसका 22,000 लग चुका है, हम इसका 25,000 मांगते हैं, और ये बकरी जो है ना इसका 18,000 लग चुका है, लेकिन हम मांगते हैं इनका 20,000, और ये बड़ी वाली जो है ना इसका 28,000 लग गया है, लेकिन हम मांगते हैं 25,000। आप इसको सारे को मिक्स कर लें जितना जितना बनता है, तो फिर जो है वो हम 35 मांगते हैं, 28 लग चुका है इसका बड़ी का, ये इनकी मामा है ना उन दोनों की, तो इनका 28 लग गया है, लेकिन हम मांगते हैं 25, लेकिन 32 तक इंशाल्लाह सेल कर देंगे। ये 32 ये हो गया, 22 ये हो गया, 54 हो गया टोटल, 20 वो हो गया, 74 75,000 में ये तीनों जानवर जो है ना ये हम सेल कर देंगे। अगर किसी ने लेने हो तो हमसे ले सकते हैं, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। साहब उठ जाओ यार, बारिश आ गई, बार मेहरबानी करो, बारिश आ गई फिर रस्ता तुम्हें पता सारा ख़राब है। या अंडे लिया तो दुद्ध लिया, ब्रेड कटे पहनना उन्हें बना बनू के नाश्ता कर लिए। चुप समान अंदर ही चलिए, सोनी अल्लाह करम कर सी, बाकी में ही होना है कुछ दिन तक। अब इनके नाश्ते के लिए तो इनको जनाब कुछ दे दिया, क्योंकि मैंने कल ही इस बोरी में जनाब ग्रास वगैरह काट लिया था, मुझे पता था बारिश आ जाती है फिर गिरे ये खाते नहीं है, तो इनको माशाल्लाह मिल गया। आज इनको ना जनाब नहलाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा कुछ दिन पड़ी है, तो गर्मी को कह रहा हूँ, बकरी को छोड़ना, गर्मी वैसे भी हुई है, क्योंकि ये हमने बकरियों के साथ छोड़ी हुई थी, तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सारा दिन वो गर्मी में ना चरती रहती है, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी इनकी तबीयत भी अपसेट है। अगर आज बारिश ना आई तो फिर इसको वैसे नहला देंगे, अगर बारिश आ गई तो फिर इसकी तो खुद नहा लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं। ये टेबल बाहर पड़ा था, इसके नीचे इंटे 4-5 रख करना जनाब, ये इस्त्री करने के लिए मैंने यहाँ पर जनाब रेडी कर दिया है। पहले हम इस्त्री वगैरह करते थे ना तो इस बेड के ऊपर ही करते थे, लेकिन अब ये माशाल्लाह सेट हो गया, तो अब कोई टेंशन नहीं, ऊपर ही लगा हुआ है, स्विच वगैरह यहाँ से लगाया, ठीक सन क्या बात है। बर्तन वॉश करने लगी जी, बर्तन जो है वो हम फ्रेम ही वॉश करते हैं, अभी ये जो सिंक वगैरह लगा ना इसका वाटर पानी वगैरह का जो सप्लाई है ना वो नहीं हुई, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो भी लगा लेंगे, जैसे ही हम ऑपरेशन के से फारिग होते हैं ना तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी तो फिलहाल ऐसे ही काम चल रहा है। सालन गरम करने के लिए हमने ऊपर रखा हुआ है, तो गरम हो रही है तारी? नहीं गल है, ब्रेड और छपरा बकरियां खा गई हैं, फिर 5-6 ब्रेड थे जो एक दिन पहले हमने अंडे से बनाया थे, कुछ बच गए थे, आधे से ज्यादा बच गए थे, वो हमने यहाँ पर रखे थे, शायद यहाँ पर रखे थे, लेकिन बकरी ने खाए हैं या रात को बिल्ली वगैरह आई है, वो जनाब नहीं पा गई। फोन सरकार सही हो जाए तो बाकी थोड़े पाप सानू लाके बह गए पुत्र। अभी हम आपको जनाब ऊपर छत की सैर कराते हैं और इधर उधर की सैर करवाते हैं, फिलहाल सीढ़ियाँ हमारी यही हैं, दूसरी अभी सीढ़ी बनी वगैरह नहीं है, जब बरामदा बनाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह सीढ़ी भी वो साथ में निकलेगी, तो इस सीढ़ी के हिसाब से जाते हैं ऊपर, इसके ऊपर जाना काफ़ी डेंजरस काम होता है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह।
छत के पास जनाब हम पहुंच तो आए हैं, बाकी अब ऊपर चलते हैं। जनाब हमारी छत के ऊपर से नज़ारा सर सब्जो शदाब, हर तरफ ही सर सब्जो शदाब। इस साइड से देखें आप, ओह माय गॉडनेस, तारा बरकत बैठी की कार। फ्रूट वगैरह मतलब है, लेकिन अभी ये कच्चा है, अभी ये खाने के बिल्कुल काबिल नहीं है, लेकिन जैसे ही ये हवा वगैरह चलती है ना, ये सारे गिर जाते हैं, तो जिससे नुकसान होता है। लेकिन अभी कच्चे हैं ये, तकरीबन ये कम अज़ कम 2 से 3 मंथ और लेंगे, उसके बाद ये मतलब के सेट होंगे, अभी बिल्कुल ही कच्चे हैं ये। माशाल्लाह हवा जो है ना काफ़ी तेज़ चली हुई है, ठंडी हवा, जैसे कि कहीं बारिश हो रही है शायद, मुझे लग रहा है। छोटी दुनिया भी आई हुई है, अपने वालिद का खाना लेकर आया है ये। हमारे साथ जो है ना बेटी बच्चे, तो उनका मतलब ये बेटा है। बंदा इस जैसी सीढ़ियाँ जो होती है ना, इस पर चढ़ता है ना, तो इतनी मतलब कि ना मुश्किल पेश नहीं आती, इतना डर मतलब कि ना उतर से लगता है, अल्लाह करम करेगा। इसके काम देखें, टांग अपनी कहाँ से लेकर ना कहाँ फंसाई हुई है। फिर बंदे कहते हैं कि यार इनको मारते हो आप, तेरे काम जा जाते हैं ना। और यार फांस नहीं तो बाहर काट दे, गल्ला के जा रहे हैं। अल कटता पे अल अल चल। नाश्ते के लिए जना हमने चाय वगैरह जो है ना वो ऊपर रख दी, तकरीबन हो चुकी है ये। मैंने अंडा जो है ना वो थोड़ा बहुत मिक्स मुक्स कर लिया, ये तैरा कर लिए, इसमें सिर्फ नमक डाला। साथ में जनाब ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर लगाकर जनाब जबरदस्त वाला नाश्ता हमारा हो जाएगा। रात का सालन है ये, इंशाल्लाह दोपहर में हम खाएंगे। हमारे अवैध साहब जो है ना वो बर्तन वॉश कर रहे हैं, तैरा बरकत अभी तक बैठी हुई है। ये तो ना इंसाफी है ना अवैध साहब, क्यों ऐसा? गंगा जी लाज। रेडी हो गई है चाय को, मैंने उतार दिया है, आप रखते हैं इसके ऊपर तवा। इसके ऊपर जनाब घी वगैरह जो है ना वो डालते हैं, मुझे लगता है घी हमारा ख़त्म होने वाला नहीं, बल्कि हो सकता है शायद थोड़ा बहुत होगा बस, बाकी हमारे अंडे वगैरह जो है ना वो बन जाएंगे, बाकी अलग अलग करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, ये रह गया घी जनाब। हाँ जी सोने हो, गुलाबी गुलाबी अखियां वाले, ओ की हाल है फिर मशूका तेरिया दा, मशूका उधर कड़े बैठे दिए ने, नहीं है नहीं है। मेरे घी वर गया वे, मेरे घी ओ पुत्र तो पहले साफ करके रखे है, मैंने रखे है वणा मार ले, मैं पता सो रही कोई नहीं, ते चार के बनाए ने ना पा विच पुत्र तो के करना शुरू कर। चलो जी वैसा साहब सोटो तेल ने याद करके, अल्लाह वाले गरम तवा लंडा दे दे तवा, ओ मैं ठंडा तवा थोड़ी ते कारण तुसी आप ही आखा, मैं थोड़ी आखा तेनु, तू आके गरम हो गया, मैं छोड़ दे मोड़, मैं ता गरम एकदम। अंडा जो है ना मिर्ची वाला खाता हूँ, इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दिए और दूसरी मिर्च भी डाल दिए, नमकीन करके ना अच्छे वाला मैंने बना दिया ये। अभी तवा जो है ना अच्छे तरीके से गर्म हो गया, गियो थोड़ा पाई पुत्र, मेरी बार गियो ही थोड़ा पाता ही, नहीं नहीं सही है, तो मेरी बार यही करना और की माँ तो सक्का है के लिए भी 3 ब्रेड जो है ना वो हमने किए थे, मैं अपने लिए भी 3 कर रहा हूँ। वैसा आप 2 या 3 और तारीख है डीडी है ਹਾਂਜੀ ਬਰਗਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਬਰਗਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਲੇਟ ਫਾਰ ਪਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਗੁਲਾਬੋ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਲਾਬੋ ਵਾਹ, ਹਮਾਰੇ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਬੋ ਕੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਆ ਲੜਕੇ ਮੇਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਅਭੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾੜੇ ਜਾਣੇ ਲਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਦੇਖੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਜਾ ਰਹਾ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁక్స్ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਇਹ ਉਕਾੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੋਬ ਪੇ उधर देख कर, और ये फर्स्ट ईयर की किताबें जो है ना वो हमें मिलेगी, वो भी सेकंड हैंड, वो पता नहीं अब कितनी मिलती है इसका पता नहीं, और नवियाँ तो हम देंगे। तकरीबन ही हो, चलो कोई नहीं हो जाए सेट, जबरदस्त हो जाए, चलो निकलो। अभी जनाब नहाए हैं जनाब, थोड़ी बहुत गर्मी जो है ना वो दूर की है, बकरियों के लिए चारा वाला काटा था ना, तो वो कमांद में जनाब गया ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में लगी है, तो इसलिए फिर नहाए हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश होकर अब ना अच्छा फील हो रहा है। भाई साहब आ गए जनाब स्पेशल, खाना खुना खान
भाई साहब जनाब लेट हो गए हैं, आज खाना खाते खाते काफ़ी काम है, बिजी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगा रहे हैं ये जनाब मुंजी चावल वगैरह, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे हैं। तो अभी 3:30 का टाइम हो रहा है, तो दोपहर का खाना अभी खा रहे हैं ये। हाँ भैया वैसे आप आ गए, बुक्स वगैरह सब कुछ लेकर आ गए, किनिया लिया नहीं? 3-4 बाकी किनिया रह गए? बाकी रह गई या नहीं, 2-3-4-5 रह गए। 5 रह गए। हमने ये सेकंड हैंड जो है ना वो बुक्स ली हैं, सेकंड हैंड हमने 9th और 10th क्लास की दी हैं, उसके बदले हमें जनाब मिली है सिर्फ 4 बुक्स फर्स्ट ईयर की, तो वो लेकर आए हैं। बाकी जो रह गई ना वो भी इंशाल्लाह ले आएंगे। अभी पानी जो है ना यहाँ से जनाब हम इधर कर रहे हैं, अब एक ही देखना है, अब एक ही भाई साहब। आओ जी आवाज़ साहब, जनाब धुएं दुखाए हुए हैं आजकल, अल्लाह वाले की कर रहे हो? आग ला दे, आग ला दे, चल जड़ी लग गई इन्नी बड़ी आप लगती रहती दुखती रहती आज जिनी होनी है, कल सुखे गए फिर आप खुद बहुत लग गए। अज कला ही लगा, दुआ किधर गया? खैर अजकल भाई दोनों भाई जो है हमारे पड़ोसी, ये जनाब काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि चावल की फसल जो है ना वो लगा रहे हैं, तो इनकी मसरूफियात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। साथ में जानवर भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, तो टाइम बिल्कुल उनके पास अभी नहीं होता आजकल, सिर्फ 4-5-6 दिन तकरीबन, उसके बाद सेट हो जाएंगे सारी चाल। सेकंड टाइम हो चुका है और बकरियों के लिए मैं चारा फिर लेकर आ गया हूँ। अब इनका माशाल्लाह रात जो है ना वो गुजर जाएगी, वो इंशाल्लाह इनको सब फर्स्ट टाइम जो है ना वो बोरी में जो पड़ा है वो डालेंगे इनको। इनके काम देख उतर ही चढ़ गए, इतनी गंदी आदत इनकी होती है चारे के ऊपर चढ़ जाएंगे, या जब चारा खा लेंगे ना तो जो बच जाएगा ना उसके ऊपर वॉशरूम कर देंगे। ये बकरियों की बहुत बुरी आदत है। चलो जी शाम हो गई, रात हो गई, अभी 8:30-9 का टाइम होने वाला है, तो इसी रोके यहीं पर एंड करने लगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर भी नहीं, किसी और अच्छी सोनी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निकला।